तो नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। इस वीडियो को भैया दिल थाम के देखिएगा और देखने के बाद भैया इस वीडियो को तनिक कोरोना वायरस का तरह शेयर कर दीजिएगा। और भैया इस वीडियो को शेयर करने के बाद आपका जो दिल का बात होगा हमारे कमेंट बॉक्स में तनिक बता दीजिएगा, तनिक हम भी देखें कि आपका राय क्या है। और वीडियो भैया अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक का बटन दबा दीजिएगा और वीडियो भैया खराब लगे तो अनलाइक का भी बटन दबा दीजिएगा, कोई रोक टोक नहीं है। एक दो दिन से देख रहे हैं भैया एक नया न्यूज चैनल वाला पैदा हुआ है, चैनल का नाम डी टीवी इसी तरह से कुछ है। उतना दिन से उसका चैनल में व्यूज नहीं जा रहा था, कुछ हूं इधर उधर झोल फांस करके न्यूज डाले लेकिन न्यूज का भैया व्यूज नहीं जाए। उसी बीच में खेसारी लाल यादव का भैया एक विवाद पैदा हो गया खेसारी जी का। अब विवाद भैया पैदा हुआ तो उस पर न्यूज बना दिया। अब खेसारी लाल यादव पे भैया कोई न्यूज बना दे और उस चैनल का व्यूज रफ्तार पकड़ लिया भैया, समझे ना। अब रफ्तार पकड़ने के मतलब भैया अब बार बार खेसारी लाल यादव पे भी वीडियो बना रहा। तो वीडियो बनाते बनाते भैया क्या हुआ ना कि पंकज सिंह और खेसारी भैया का जो विवाद था विवाद हो गया खत्म। अब विवाद खत्म हो गया तो जो डीटीवी वाला है अब बोल रहा खेसारी लाल यादव अश्लील गाता है। इस तरह का जो न्यूज चैनल वाला है घटिया बेशरम बेहाया किस्म का जो न्यूज चैनल वाला भैया उसको अब इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहेंगे। डीटीवी का जो ओनर है सबसे पहले तोरा माई के सलाम। बता दे भैया डीटीवी वाला खेसारी लाल यादव का देवी गीत 100 मिलियन व्यू क्रॉस किया, तुमको पता है उसके बारे में? तुम न्यूज बनाया नहीं बनाया? क्योंकि उस तरह का तुम न्यूज बनाएगा ना तो तुम्हारे चैनल में सब कोई देखने नहीं जाएगा, ठीक है। खेसारी लाल यादव एक से बढ़कर एक सेट सॉन्ग आया, देवी गीत आया, बॉलीवुड लेवल का सॉन्ग आया, अपनी तो जैसे तैसे सॉन्ग आया, परदेसिया सॉन्ग आया, ये सब मतलब तबाही वाला वीडियो आया, तबाही वाला सॉन्ग आया पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव का। इंसान खिलौना हो गई ये गाना भैया लगभग महीने भर इस गाने को भैया ट्रेंडिंग में रखा यूट्यूब ने, म्यूजिक ट्रेंडिंग में एक नंबर ट्रेंडिंग में। इसके बारे में न्यूज बनाया तुमरे डीटीवी वाला न्यूज? तुम क्या बना रहा है कि दूगो बियर मंगा के पी ले हो इस गाने को तुम अश्लील बोलोगे रे? बहुत बड़ा तुम अश्लील को रोकने वाला हो गया रे डीटीवी वाला, तेरा औकात है ना। तो जो गाना गाया है सीला सीला की जबानी उसको एक बार बोला जाके तुमरे, नहीं बोलेगा तुम्हारा औकात नहीं है। उसके बाद एक और बात बता दे तुमको डीटीवी वाला, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, इस पे तुम न्यूज बनाया है? इसमें भी किसी का नाम लिया गया है? इसमें तो कोई विवाद नहीं उठाया? बोलता सानिया मिर्जा पर खेसारी लाल यादव ने गाना गाया। तो जब खेसारी लाल यादव सानिया मिर्जा पे गाना गाया था उस टाइम क्या कर रहे थे? ओ न्यूज चैनल खोल रहे होगे उस टाइम, और 2021 में तेरा न्यूज चैनल पैदा हुआ। जितना भी तुम्हारा चैनल सब में सब्सक्राइबर बढ़ा है ना सिर्फ खेसारी ट्रेंडिंग स्टार दबंग स्टार खेसारी भैया के बदौलत। तो तुम्हारा चैनल में कुत्ता जो होता कुत्ता थूकने नहीं जाता, सूंघने नहीं जाता, ठीक है। एक और बात बता दे तुम बोल रहे हमारा चैनल पे स्ट्राइक, हमारा बात को दबाया जा रहा है। तुम्हारा बात को क्या दबाया जाएगा रे? तुम्हारा बातें डबल है डी टीवी भैया, अभी तो नया फायदा लिया है आज तक वाले भैया एनडीए टीवी न्यूज 18 झारखंड बिहार एक से बढ़कर एक बड़ा चैनल है भैया। उस सब भैया इस तरह का विवाद नहीं बना रहा है? अब आज तक से बड़ा इसका न्यूज चैनल है क्या, बताइए आप भैया? ये तो नया पैदा लिया है 15,000 सब्सक्राइबर, वो भी खेसारी लाल यादव का नाम जब जब के। आप ही लोग बताइए भैया कमेंट करके। एक भिखारी जक्सन था उसका भी चैनल पेंडिंग में हो गया, लेकिन जब से खेसारी लाल यादव जपने लगा तो ट्रेंडिंग में आ गया। तुमको बता दें खेसारी लाल यादव के लिए भैया पूरा बिहार बंद हो जाता है। ट्रेंडिंग स्टार दबंग स्टार हिट मशीन के लिए
बिहार बंद हो जाता है तो तुम्हारा चैनल है रे, दो रुपये का तेरा चैनल है, कभी उड़ जाएगा, उड़बे करेगा। अभी देखें भैया लाइव सात पौने सात पौने आठ बजे के लगभग हम देखें लाइव, एगो लड़की बोल रही है और बियर मंगा के पी लिया, अब जो गाना अभी मिलियन मैंने 2 मिलियन पार कर गया है, जो आधे रिलीज किया गया एंगल म्यूजिक से, उस गाने को बोल रहा है अश्लील गाना है, ये गाना है, वो गाना है, पूरा बोल रहा है, समझे ना। हम बोल रहे 2-3 घंटा का लाइव चला दिया वीडियो का, और जब वो वीडियो को फिर हम देखें तो देखें वीडियो प्राइवेट, और बोल रहा कि हमारे आवाज को दबाया जा रहा है। खेसारी लाल यादव ने किसको बोला, नहीं बोला, ये तुमको जरा अकल होता ना तुम न्यूज चैनल खोल कैसे लिया रही। अभी हम बोलेंगे तुमको फोन करके कि भैया को भक्ति गाना है उसका प्रमोशन कर दीजिएगा, हमें को दुकान खोले भैया थोड़ा उसका प्रमोशन कर दीजिएगा, हमारा हेल्प हो जाएगा। तुरंत बोलेगा 5,000 रुपये निकालो, जहां तहां लोग भूखे मर रहा है, लॉकडाउन का स्थिति है इधर, उसको जाके दिखाओ ना रे, उसमें तुम्हारा न्यूज देखेगा नहीं कोई ना व्यू, और खेसारी लाल को तुम नीचा दिखाओगे, और स्टार नहीं है भोजपुरी में, एक से बढ़कर एक गाना गाया है लोग, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, एक से बढ़कर एक गाना है मकैया में राजा जी। और एक बात बता देगा तुमको, मारे ले कच्चा कोच कोच स्टाफ से जो साना है गाना है, और भी बढ़कर एक गाना है हमार राजा जी दिन में ना बोले, एक से बढ़कर एक गाना है, उसमें ही लोग नहीं बोलेगा भैया, काहे कि उस सब के बारे में बोलेगा तो व्यू जाएगा नहीं। अभी तो परख लिया है कि चैनल में खेसारी लाल यादव का फोटो लगाते हैं, चैनल में खेसारी लाल यादव का थंबनेल लगाते हैं, नाम लिखते हैं तो व्यू जाता है, अन्यथा दूसरे का नाम लेके व्यू जाता ही नहीं है। तो तुम खेसारी लाल यादव को गलत बोलोगे रे, नया न्यूज चैनल खोले महाराज, कंट्रोवर्सी खत्म हो गया, ऐसा बात बोल बोल के आ रहे हो आप, कंट्रोवर्सी विवाद फैला रहे हैं, न्यूज चैनल बंद कीजिए आप अपना, कमेंट देखिएगा अपना जाकर के, 99% गाली आपको खाली मिल रहा है जहां तक लगता है। अरे भैया डी टीवी स्टार जो मारे सर्च हमने यूट्यूब नजरों नहीं आ रहा, बताइए तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं भैया, जो मेरा राय था हम रख दिया आप लोग के बीच में, अब आप लोग का जो राय है भैया हमारे कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। अब चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, आई लव यू, जय श्री राम। और गाना भैया आज गर्दा उड़ा दिया, जय श्री राम।